दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस. प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेज. सो वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनवेस्ट. उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग डेज अच्छे जा रहे होंगे. नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा, आपको स्टॉक पिक करने में मदद मिलेगी और अपनी स्किल इंप्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी. चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं 3 फेब 2021 की कॉल्स की तरफ से जो मैंने आपको यूट्यूब पे दी थी. सबसे पहला था हमारा टीम गेन, जिसमें हमारा बाई साइड का एक ही टारगेट प्राइस अचीव हो पाया. सीएट में हमारा बाई साइड के तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे. बाकी मैं बात करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा. मॉर्निंग में 2 कॉल्स मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ. ये दोनों स्टॉक्स में मैंने वहीं पर प्रोवाइड किए थे, जिसमें हमारा बाई साइड के तीनों टारगेट प्राइस और शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस दोनों स्टॉक्स में इजिली अचीव हो गए थे. ज़्यादा कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है. क्या क्या रूल्स होंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में समझा दूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा. 4 फेब 2021 के लिए जो हमने आपके लिए स्टॉक्स निकाले उनमें सब पहला स्टॉक्स है हमारा जुबिलेंट. आप बाय करके चलेंगे. सबसे पहले आपका रूल है कि लेवल जो है ब्रेकआउट होगा. लेवल कैसे ब्रेकआउट होगा, 1025.60 या 0.50 समथिंग पे आपका लेवल ब्रेकआउट होगा. एग्जैक्ट 1025 पे आप इसे बाय नहीं करेंगे. जब मैंने आपको बताया 1025.50 या 0.40 समथिंग पे आप इसे बाय करेंगे. टारगेट रहेगा 1030. पहला टारगेट प्राइस स्मॉल इसलिए रहेगा ताकि अगर स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो तो भी आपका एक टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो जाए. सेकंड टारगेट प्राइस रहेगा 1040. थर्ड टारगेट प्राइस रहेगा 1050 का. स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1013 का. स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा, 1013 पे एग्जैक्ट हिट नहीं होगा, 1012.70 या 0.80 समथिंग पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा. 0.60 भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कहीं भी होगा बट 1013 पे नहीं रखेंगे. क्योंकि इसका क्या है कि कभी कभार इस वैल्यू पे आके जो है स्टॉक होल्ड ले लेता है और उसके बाद दोबारा से ऊपर बढ़ जाता है और आप स्टॉप लॉस हिट मान के ट्रेड से बाहर आ जाते हैं. बट एक्चुअल में ट्रेड से बाहर तब आना होता है जब ये लेवल से नीचे जा जाए वैल्यू. शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा आपका 1010 का, यानी कि 1009.70 या 0.60 समथिंग पे आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे. टारगेट रहेगा 1005 का, 995. स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1022 का. इसमें भी स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा, 1022 से जब ऊपर जाने लगेगी वैल्यू 1022.40 या 0.50 समथिंग पे अपने स्टॉप लॉस हिट मानेंगे. देखिए अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में 2 कॉल्स मैं वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, 2 यहाँ पे. व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप चैनल का आपको हमारा जो है नंबर मिल जाएगा, सॉरी व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप 400 टू 700 की रेंज में स्टॉक्स पाना चाहते हैं. मॉर्निंग में ये स्टॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ, टेलीग्राम और यूट्यूब से अलग होती हैं ये कॉल्स. और ये जो रेंज होती है इसकी 500 टू 700 की रेंज में होता है, 400 टू 700 की रेंज में. और इनमें जो आपको टोटल पॉइंट्स मिनिमम 15 टू 25 पॉइंट मिल जाते हैं बाय और शॉर्ट सेलिंग मिला के, तो इजीली आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. तो चलिए बाकी की बात हम बाद में करेंगे. अगला स्टॉक जो है हमारा एचजीएस, आप इसे बाय करके चलेंगे जब लेवल रिकॉर्ड होगा 1167 का. टारगेट रहेगा 1172, 1182 और 1192 का. स्टॉप लॉस रहेगा 1155 का. शॉर्ट सेलिंग करके चलेंगे 1150. टारगेट रहेगा 1145. अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता है, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर स्टॉक गैप अप ओपन हो जाता तो आप वेट करेंगे 11 AM तक उसके गैप रिफिल होने का. अगर 800 से छोटा स्टॉक है तो 10 AM तक वेट करेंगे उसके गैप रिफिल होने का. गैप रिफिल कैसे होगा, बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पे वो 1 मिनट का होल्ड लेगा. होल्ड लेने के बाद जो भी लेवल ब्रेकआउट करेगा पहले आप उसे शॉर्ट सेल या फिर बाय कर देंगे. जो लेवल ब्रेकआउट करेगा, बाय का लेवल ब्रेकआउट करेगा बाय करेंगे, शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट करेगा शॉर्ट सेल करेंगे. बट 1 मिनट का होल्ड लेना बहुत जरूरी है बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में अगर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है. और अगर स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो उसको 5 मिनट का होल्ड लेने दीजिएगा अगर आपको बाय की कॉल लेनी है. अगर स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड यानी कि काफ़ी देर से गिर रहा है स्टॉक, तो उसे अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए 5 या 10 मिनट लगेंगे. 5 या 10 मिनट का होल्ड लेगा, उसके बाद ही वो ट्रेंड चेंज करेगा अगर कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा वो गिर रहा है. ऐसा नहीं कि 3-4 कैंडलस्टिक में आप मान के, 5-6 कैंडलस्टिक वो गिर ही रही है तो 2 से 3 कैंडलस्टिक आप वेट करेंगे उसके ट्रेंड चेंज होने के लिए, होल्ड लेने के लिए उस सपोर्ट पे. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपका पहली बार में स्टॉप लॉस हिट होता है दूसरी बार आप वो कॉल लेंगे, बट पहली बार में अगर टारगेट अचीव हो जाता है दूसरी बार आप वो कॉल नहीं लेंगे. बस यही सारे रूल्स थे, बाकी वीडियो को लंबी नहीं करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा. तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ.